नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनु स्वागत छे। शुरुआत करिए मुख्य समाचार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाए जाफनामा पुनर्निर्मित दुरैयप्पा स्टेडियम ने श्रीलंका की जनता ने करी समर्पित। पीएम मोदी दिल्ली की वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा कार्यक्रम में आपी हाजरी, भारत नो विकास पड़ोशी राष्ट्रों माटे लाभकर्ता गणाव्यो। राजकोट जिल्ला में नर्मदा शुद्ध पानी पहुंचाड़वानी 597 करोड़ रुपयानी नावड़ा उपलेटा बल्क पाइपलाइन योजना भूमिपूजन करता मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल प्रतिदिन 300 करोड़ लीटर पीवा शुद्ध पानी सरकार वितरित करती हो। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत राज्य 33 जिलों में 700 करोड़ ग्रामीण रस्ताओं 3,850 कामों मंजूर करती राज्य सरकार। नॉन प्लान काचा नीड़िया मार्ग ने पाका डामर रस्ता बनावाशे। गुजरात देश में गामड़ा ने एक करता वधु रस्ता जोड़ाण आपतु प्रथम राज्य बनशे। गुजरात में आंतरराष्ट्रीय योग दिवसे 40,000 स्थलों 1 करोड़ लोगों ने योग में सामेल करने राज्य सरकार का लक्ष्य। अमदावाद जीएमडीसी ग्राउंड खाते राज्यकक्षा मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सारे जहां से अच्छा की थीम पर रजू कराशे योग श्रृंखला। जोइए समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीए जणाव्यु छे कि भारतनो विकास थाय ते पड़ोशी राष्ट्रोना पण हितमां छे अने भारतना विकासनो लाभ पड़ोशीओने पण मळवो जोईए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेनाए गईकाले जाफना में पुनर्निर्माण पामेला दुरैयप्पा स्टेडियम ने श्रीलंका की जनता माटे खुल्लू मूक्यु हतु। श्रीलंका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीलंका स्टेडियम में उपस्थित रहा था, जारे प्रधानमंत्री मोदीए दिल्ली की वीडियो कॉन्फ्रेंस थी स्टेडियम में चली रहे कार्यक्रम में हाजरी आपी थी। दुरैयप्पा स्टेडियम भारत सरकार द्वारा ₹7 करोड़ थी पण वधारे रकम की मदद थी उभू करवामां आव्यु छे। आ सहकार बदल श्रीलंकन प्रमुखे भारत नो आभार मान्यो हतो। प्रधानमंत्रीए श्रीलंका भारत की संयुक्त भागीदारी संदर्भ में आ दिवस ने ऐतिहासिक गणाव्यो हतो। तेमणे आंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जूने मनावा माटे भारत ने टेको आपवा बदल श्रीलंका नो आभार मान्यो हतो। देशना इतिहास में सौ प्रथम वक्त 3 महिला पायलट नो वायुसेना फाइटर पायलट तरीके समावेश करवामां आव्यो छे। गईकाले त्रणे महिला फाइटर पायलट भावना कांत, अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह सत्तावारी एयरफोर्स में सामेल थी। हैदराबाद वायुसेना एकेडमी में पासिंग आउट परेड बाद संरक्षण मंत्री मनोहर पारिकरे आ अंगेनी जाहेरात करी हती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ त्रणे जाबाज महिला पायलट ने ट्वीट कर अभिनंदन पाठव्या था। तेमना वायुसेना में समावेश ने गर्वनी बाबत गणावी हती। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानीए जणाव्यु छे कि शैक्षणिक सत्र 2016-17 में सरकारे देश की 6 यूनिवर्सिटी में योग विभाग शुरू करने निर्णय लीधो छे। दिल्ली में योग अंगेना राष्ट्रीय सेमिनार में तेमणे जणाव्यु हतु कि सरकारनो लक्ष्यांक आगामी शैक्षणिक सत्र सुधी में वधु 20 यूनिवर्सिटी में योग विभाग खोलवानो छे। भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि साल 2016-17 में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नए सिरे से अथवा रिवैम्प की दृष्टि से योगा डिपार्टमेंट्स खोले जाएंगे। कोशिश हमारी ये है कि इस वर्ष मात्र ये 5 या 6 यूनिवर्सिटीज में प्रयास शुरू होगा, लेकिन अगले वर्ष तक इस प्रयास को हम स्केल अप करके और 20 यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाएं। सरहदे हाड़मारी भोगवीने पण देशनु रक्षण करता जवानोने बिरदावता बनासकांठाना नड़ाबेट गामे आजे हम चले हिंदुस्तान चले नामना खास कार्यक्रमनुं आयोजन करायुं छे। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंहनी अध्यक्षतामां योजानारा कार्यक्रममां अगाउ चंद्रको मेळवनारा बीएसएफना जवानोने शहीदोना परिवारोनुं सन्मान कराशे। आ उपरांत 20 जेटला शहीदोना परिवारने ₹51,000 सहाय अपाशे अने 9 जवानोने इंद्रधनुष सन्मान एनायत कराशे। कार्यक्रम दरमियान जवानों ने अत्याधुनिक मेडिकल साधनों ने आरओ प्लांट सहित संसाधनों पर पूरा पाड़वामां आवशे। गृहमंत्री आज बीएसएफ ना डीजी के शर्मा ने गुजरात फ्रंटियर बीएसएफ ना आईजी एके तोमर साथ जवानों ने लगता विविध मुद्दे चर्चा पर करशे। आ प्रसंगे राज्यकक्षा गृहमंत्री हरिभाई चौधरी, सांसद मनसुख मांडविया, बीएसएफ अधिकारी अग्रणी उद्योगपतिओ खास उपस्थित रहेशे।
मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेले राजकोट जिल्लाना 11 तालुकाना ग्रामीण अने शहरी विस्तारों ने नर्मदानु शुद्ध पाणी पाइपलाइन द्वारा पहोंचाड़नारी रूपया 597 करोड़ना खर्चनी नावड़ा उपलेटा बल्क पाइपलाइननी डी नेटवर्क योजनानो जामकंडोरणा खाते भूमिपूजन कर्यु हतु। आ प्रसंगे मुख्यमंत्रीए जणाव्यु हतु कि महिलाओं ने माथे बेड़ा लईने पाणी भरवा जवाना दिवसो हवे गुजरातमां भूतकाळ बनी गया छे। तेमणे जणाव्युं कि राज्यमां दररोज 300 करोड़ लीटर पीवानुं शुद्ध पाणी आ सरकार द्वारा वितरित करवामां आवे छे। तेमणे वधुमां कह्युं कि राज्य सरकारे छेल्ला 2 वर्षमां रूपया 2,953 करोड़ना खर्चे 400 किलोमीटर उपरांत अधिक पाइपलाइन बिछावी पाणी पहोंचाडवानुं आयोजन कर्युं छे। मुख्यमंत्रीना जणाव्या अनुसार सरकारे 1,25,000 किलोमीटर लांबी वॉटर ग्रीड इजनेरी कौशल्यथी पार पाड़ी सौराष्ट्र कच्छ तथा उत्तर गुजरात में घेर घेर नर्मदानुं पाणी पहोंचाड्युं छे। आनंदीबेने पाणीना कर्कसरयुक्त वपराश माटे अपील करवा साथे खेती में सेंद्रीय खातरनो उपयोग करवानो अनुरोध करता जाहेर कर्युं हतुं कि राज्य सरकार टूंक समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग युनिवर्सिटी स्थापनार छे। માર્ગ અને મકાન મંત્રી નીતિનભાઈ પટેલે જણાવ્યું છે કે ગુજરાતના તમામ ગામડાઓને અન્ય ગામો સાથે જોડવાનું કામ ગુજરાત સરકારે વર્ષો પહેલા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યું છે। ગુજરાતના ગામડાઓને અન્ય ગામો સાથે ટૂંકા પાકા ડામરના રસ્તાથી જોડવા માટે વર્ષ 2016-17ના બજેટમાં મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના જાહેર કરાઈ છે, જે માટે 2,500 કરોડ રૂપિયા ફાળવાયા છે। આગામી 3 વર્ષમાં યોજના હેઠળ 10,000 કરોડની ફાળવણી કરી રાજ્યના ગામડાઓ એક ગામથી બીજા ગામને જોડતા કાચા રસ્તાઓને પાકા ડામરના બનાવીને ગામડાઓમાં વસતા કરોડો નાગરિકોને એક કરતા વધુ પાકા રસ્તાની સુવિધા પ્રાપ્ત થશે। ગુજરાત ગામડાઓને એક કરતા વધુ રસ્તાનું જોડાણ આપતું દેશનું પ્રથમ રાજ્ય બનશે। ગુજરાતના તમામ ગામોને જેની વસ્તી 500થી વધુ છે એવા તમામ ગામોને વર્ષો અગાઉ પાકા ડામર રસ્તાથી જોડી દેવામાં આવ્યા છે। એના અંતર્ગત અમારા માર્ગ મકાન વિભાગ તરફથી આજે જે રસ્તાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે એમાં કુલ 3,900 રસ્તા બનાવવા માટે 3,700 કરોડ રૂપિયાના કામોની મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે। રાજ્યના તમામ 33 જિલ્લામાં આ રસ્તાઓના કામ થશે। આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીને સફળ બનાવવા માટે તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યકક્ષાનો યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવશે, તો આ તરફ વિવિધ જિલ્લાઓમાં પણ તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે। આવો જોઈએ એક અહેવાલ। વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે અમદાવાદના જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ ખાતે રાજ્યકક્ષાના યોગ દિવસની ઉજવણીની તડામાર તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે। સારે જહાની થીમ પર યોગ શૃંખલા અને નૃત્યનું આયોજન કરવામાં આવશે, જે અંગે રાજ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમાએ વિગત આપી હતી। ગઈ વખતે 1,09,00,000 લોકોએ ભાગ લીધો હતો, આ વખતે 1,25,00,000 લોકો ભાગ લેશે એવો અંદાજ છે ને અમારો પ્રયત્ન છે। મુખ્ય કાર્યક્રમ અહીંયા જીએમડીસી ખાતે રહેશે।
जीएमडीसी ग्राउंड खाते योजावा जई रहेला राज्य कक्षाना योग दिवस नी उजवणी निमित्ते एनसीसी कैडेट्स एक अनोखो रेकॉर्ड नोंधावा थनगनी रह्या छे। जीएमडीसी ग्राउंड खाते 8000 कैडेट्स नी योग तालीम चाली रही छे, जो 21 जूने एक साथ योग करीने गिनीस बुक में स्थान मेळवा प्रयत्न करशे। गीर सोमनाथ जिल्ला में पण योग दिवस नी उजवणीना भागरूपे तैयारी शुरू थई गई छे। सौ प्रथमवार कोस्टगार्डना जवानों द्वारा दरियाई बोट में दरिया वच्चे योग कराशे, त्यारे खूब ज अद्भुत दृश्य सर्जाशे। वेरावळ में संस्कृत यूनिवर्सिटी खाते 3000 लोको, सोमनाथ मंदिर खाते 6330 लोको अने इंडियन रेनो स्कूल खाते 3500 विद्यार्थियों अने वेरावळ बंदर अने कोस्टगार्ड जेटी खाते 150 लोको ने तालीम आपवामां आवी छे। राजकोट में योग दिन निमित्ते 2500 थी वधु गर्भवती महिलाओं सामूहिक योग करशे। कालावड रोड पर आवेला स्वामीनारायण मंदिर में समग्र कार्यक्रम नू आयोजन कराशे। कलेक्टर डॉक्टर विक्रांत पांडे आ सामूहिक योग ने गिनीस बुक में रेकॉर्ड नोंधावा तैयारी करी लीधी छे। सूरत शहर की शाला में 2100 जेटला विद्यार्थियों योग गुरु एवं संतोना मार्गदर्शन थी विविध योग की प्रेक्टिस करी रहा है, त्यारे योग दिवस की उजवणी करवा विद्यार्थियों उत्साहपूर्वक योग की प्रेक्टिस में जोड़ाया था। विश्व योग दिवस पहला ज समग्र राज्य जाने योगमय बनी रह्यु होय तेवा दृश्य जोवा मळी रह्या छे, त्यारे लोको पण भारे होशभेर आ योग दिवस ने उजववा थनगनी रह्या छे। दूरदर्शन समाचार अमदावाद। भाजपना प्रदेश प्रमुख विजय रूपाणी की उपस्थिति में अमदावाद खाते कार्यकर्ताओं की तालीम बैठक योजाई थी। भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी होवाथी पक्ष में कार्यकर्ताओं घड़तर थाय अने कार्यकर्ताओं वैचारिक रीते आगळ आवी पक्ष अने राष्ट्र ने मजबूत बनावे तेवा उद्देश्य थी आवी तालीम बैठकों पक्ष द्वारा आयोजन करवामां आवे छे, तेम प्रदेश प्रमुख विजय रूपाणीए जणाव्युं हतुं। बैठक में शहर पूर्व प्रमुख राकेश शाह सहित मोटी संख्या में कार्यकर्ताओं उपस्थित रहा था। कार्यकर्ता आधारित पार्टी होवाने कारणे कार्यकर्तानु घड़तर, कार्यकर्ता वैचारिक रीते पाको बने, कार्यकर्ता कार्यपद्धति ने पण बराबर समझीने काम करे, ए दृष्टिथी आ प्रकारना अभ्यास वर्गोनु आयोजन थतुं होय छे। आ वखते गुजरात में 250 थी वधु अभ्यास वर्ग वोर्ड कक्षा अने तालुका कक्षाए कर्या छे, जेमां 56000 कार्यकर्ताओ प्रथम तबक्का में ट्रेन थशे, पछी जिला कक्षाना अभ्यास वर्ग थशे जुलाई में अने प्रदेश कक्षानो अभ्यास वर्ग थशे, धारासभ्यनो अभ्यास वर्ग थशे, चूंटायेलाना लोकोना अभ्यास वर्ग थशे। कुल 1,00,000 कार्यकर्ताओनु घड़तर पार्टी करवा मांगे छे। गांधीनगर महानगर भाजपा द्वारा कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षित करने गांधीनगर खाते पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षण महाअभियान शिबिर वर्ग नु आयोजन करायु हतुं। प्रदेश भाजप महामंत्री केसी पटेले जणाव्युं हतुं के समग्र देश में भाजपना 15,00,000 थी वधु कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षित करवानो पक्ष लक्ष्यांक नक्की कर्यो छे, जेमांथी 12,00,000 जेटला कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण पूरू थई गयुं छे। आवनारा दिवसों में गुजरात में 258 जेटला प्रशिक्षण वर्गो योजाशे, जेमां 62,000 जेटला कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण अपाशे। आ बे दिवसीय शिबिर में भाजपना महामंत्री केसी पटेल, भाजपना अग्रणी नेता वाळीभाई पटेल तेमज महानगरपालिकाना मेयर कनुभाई पटेल खास उपस्थित रह्या हता। प्रमाणे आ प्रशिक्षण वर्गो योजाई रह्या छे। गुजरात में कुल 258 प्रशिक्षण वर्गो योजाशे, 75,000 जेटला कार्यकर्ताओ एमां अपेक्षित कार्यकर्ताओ छे, 60,000 થી 62,000 कार्यकर्ताओ आ प्रशिक्षण लेशे अने एमां 5 विषयों अने एक डिबेट जेवो राज्य सरकार अने केन्द्र सरकारनी जे योजनाओ एना माटेनुं कार्यकर्ताओना प्रशिक्षण था एना माटेना कुल 6 सत्रों छे। राजपीपळा खाते आकार पामी रहेली विश्वनी सौथी ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ युनिटी ने जोड़ता रोड ने चार मार्गीय करवाना अंदाजे रूपया 525 करोड़ कामनो राज्यना मंत्री श्री नितिनभाई पटेलना हस्ते खातमुहूर्त करायु हतु। आ रस्ताओं में डबोई थी देवलिया रोड, गरुड़ेश्वर चौकड़ी थी केवड़िया कॉलोनी रोड अने अंकलेश्वर थी राजपीपळा सुधीना रोड नो समावेश थाय छे। राजपीपळा खाते योजायेला समारोह में तेमणे जणाव्युं हतुं के स्टेच्यू ऑफ युनिटीनुं निर्माण कार्य पूरू थया बाद नर्मदा जिल्लो मात्र देश में ज नहीं विदेश में पण मोखराणुं स्थान धरावशे। आ प्रसंगे गुजरात विधानसभाना अध्यक्ष गणपत वसावा, सांसद रामसिंह राठवा, धारासभ्यो शब्दशरण तड़वी अने मोतीसिंह वसावा उपरांत प्रजाजनों मोटी संख्या में उपस्थित रह्या हता।
तो आ सदजा बुलेटिन समाप्त करिए। नमस्कार।